हूँ और आज की ये वीडियो पाकिस्तान के मायानाज ओपनिंग बैट्समैन सईद अनवर की जिंदगी के बारे में है, जिसमें आज आप जान सकेंगे कि सईद अनवर ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, मैच फिक्सिंग के हवाले से बने एक कमीशन में इंजमामुल हक को बादाम खाने का क्यों कहा गया, सईद अनवर दीन की तरफ कैसे आए, कैसे उनकी जिंदगी बदली और वो कौन से पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हैं जिन्हें सईद अनवर ने दीन की तरफ रागिब किया, और इसके अलावा सईद अनवर की जिंदगी से जुड़े कुछ और वाकयात भी इसी वीडियो में शामिल हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। सईद अनवर अपने जमाने का दुनिया का खतरनाक तरीन ओपनिंग बैट्समैन हुआ करता था, और अगर ये कहें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन सईद अनवर ही था तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि वो किसी बॉलर से ना तो घबराता था और ना ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तेज पिचों पर कभी बैटिंग करने से घबराया। सईद अनवर 1968 को पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर कराची में पैदा हुए। वो 1973 में अपनी फैमिली के साथ कनाडा रवाना हो गए और 1977 में वापस पाकिस्तान आए और कराची में तालीम हासिल की और 1989 में वो कंप्यूटर इंजीनियर बन गए। सईद अनवर के वालिद एक बिजनेसमैन थे पर उन्होंने क्लब लेवल तक क्रिकेट खेली थी। इसके अलावा सईद अनवर के भाई जुवेद अनवर भी क्रिकेट खेलना पसंद किया करते थे। उन्होंने लाहौर अंडर 19 क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी भी कर रखी है। सईद अनवर के टेस्ट कैरियर का आगाज मायूस कुन था। 1990-91 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी कि पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर रमीज राजा जख्मी हो गए। उनकी जगह सईद अनवर को फैसलाबाद के दूसरे टेस्ट मैच में मौका दिया गया और एक ऐसी खतरनाक पिच पर जो ना हमवार बाउंस ले रही थी, सईद अनवर दोनों इनिंग्स में सिफर पर आउट हो गए। तहम सिलेक्टर्स उनसे मायूस ना हुए और उन्हें दोबारा मौका दिया गया, जिससे सईद अनवर ने पूरा फायदा उठाया। सईद अनवर ने 1996 में अपनी कजन लुबना से शादी की जो कि एक डॉक्टर है। सईद अनवर बाएं हाथ से बैटिंग किया करते थे, जबकि कभी कभी वो मैचों में लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर का किरदार भी निभाया करते थे। सईद अनवर ने दुनिया की तमाम टीमों के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और हर बॉलर की दिल खोल कर खूब धुलाई की। सईद अनवर वनडे क्रिकेट में पहले 15 ओवर्स में 30 गज के दायरे में खड़े फील्डर्स के ऊपर से स्ट्रोक्स खेलने के माहिर थे। फील्डरों के सरों के ऊपर से स्ट्रोक्स खेलने की उनकी टेक्निक ने एक मुखालिफ कप्तान एलन बॉर्डर को इतना परेशान कर दिया था कि वो यहाँ तक कह गए थे कि नया लड़का सईद जो कुछ कर रहा है वो क्रिकेट नहीं है। 1997 वो साल था जब सईद अनवर की बैटिंग अपने उरूज पर थी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि पाकिस्तान 1997 के पेप्सी कप के इब्तदाई दो मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ हार चुका था और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए उसे इंडिया से मैच जीतना लाजमी था जो कि इंडिया में खेला जा रहा था। ये डे एंड नाइट मैच सईद अनवर की जिंदगी का सबसे बेहतरीन मैच था, जिसमें सईद अनवर ने सर विवियन रिचर्ड्स का 1984 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया 189 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी उस मैच में सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल मैचों में इंडिया के खिलाफ इंडिया ही की सरजमीन पर किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी की तरफ से पहली सेंचुरी भी थी। सईद अनवर ने 145 गेंदों पर 5 छक्कों और 22 चौकों की मदद से 194 रन बनाए और सिर्फ 6 रन की कमी से वो एक रोजा मैचों की पहली डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी ना बन सके, मगर वनडे क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का एजाज अपने नाम कर लिया जो काफी सालों तक उन्हीं के पास रहा। पर अब ये रिकॉर्ड इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा के पास है, जिसने एक रोजा क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर 264 रन बना रखे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे ज्यादा स्कोर 188 रन है जो उन्होंने मशहूर जमाना ईडन गार्डन्स कोलकाता में इंडिया ही के खिलाफ बनाए थे। उस इनिंग्स के दौरान उन्होंने बैट कैरी करने का भी एजाज हासिल किया। सईद अनवर कितना बड़ा बैट्समैन था, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसके आखिरी रोज कमेंट्री बॉक्स में तबसरा करते हुए साबिक लेजेंड लेग स्पिनर शेन वॉन से साथी कमेंटेटर की जानिब से जब उनके दौर के तमाम टेस्ट खेलने वाली 9 टीमों के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों के बारे में पूछा गया जिनका सामना टेस्ट मैचों में शेन वॉन से हुआ था, तो जवाब में शेन वॉन ने पाकिस्तानी बल्लेबाज सईद अनवर का इंतखाब किया था। शेन वॉन और सईद अनवर 6 टेस्ट मैचों में आमने सामने आए, जिसमें सईद अनवर ने 56.33 की औसत से
रन्स बनाए थे, जबकि उनमें 5 हाफ सेंचुरियां और एक शानदार सेंचुरी भी शामिल है। 90 की दिहाई में वसीम अकरम के कप्तानी संभालते ही पाकिस्तानी टीम को मैच फिक्सिंग की लत भी लग गई। टीम में हर वक्त 4 से 6 ऐसे खिलाड़ी लाजमी शामिल रहे जो हर वक्त बुकियों के साथ रबते में रहते थे। जब मैच फिक्सिंग का शोर मुल्क भर में सुनाई देने लगा तो जस्टिस कयूम कमीशन ने 9 सितंबर 1998 को इंक्वायरी शुरू कर दी ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं। जस्टिस कयूम कमीशन ने 31 अक्टूबर 1998 को सईद अनवर मुश्ताक अहमद और इंजमामुल हक को तलब किया और उनके अलग अलग कमरों में बयान लिए। उस रोज जस्टिस कयूम ने सईद अनवर की तारीफ की और कहा कि वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिनका वो खेल पसंद करते हैं और उनकी शराफत गैर मशकूक है। सईद अनवर ने कमीशन को मैच फिक्सिंग के बारे में बताया कि 1996 में श्रीलंका के दौरे के दौरान उन्हें टेलीफोन कॉल्स आईं और उन्हें मैच फिक्सिंग की ऑफर की गई, जिस पर उन्होंने फोन करने वाले को गालियां दी। 1996 में उन्हें महसूस हुआ कि उनका मैच फिक्स है। शारजा में उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ उठाया कि आइंदा मैच फिक्सिंग में कोई मुलविस नहीं होगा, मगर न्यूजीलैंड में उन्हें मैच फिक्सिंग की इत्तलात मिली थी। इस पर जस्टिस कयूम ने सईद अनवर को वार्निंग दी और कहा कि जुवेद बरकी और आपके बयानात में तजाद है, तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, दोनों में से किसी एक को अंदर कर दूंगा, लिहाजा सही बात बताओ। इस पर सईद अनवर ने कहा कि वो सच कह रहा है, उन्होंने इसलिए ये बात किसी को नहीं बताई कि उनके भाई को संगीन नतीजे की धमकियां मिली थी। जस्टिस कयूम ने जब इंजमामुल हक को बयान के लिए तलब किया तो सूरत हाल खासी दिलचस्प हो गई। इंजमामुल हक ने कहा कि वो नहीं जानते कि कौमी टीम में कभी मैच फिक्सिंग भी हुई है। इस पर जस्टिस कयूम ने कहा कि फिर शारजा में कुरान पाक पर हल्फ क्यों उठाया था। इस पर इंजमामुल हक ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कभी ऐसा हल्फ उठाया था। जस्टिस कयूम इस पर हैरान हुए और सख्ती से कहा कि तुम लोगों की इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि झूठ बोलते रहो और तुम्हें छोड़ दूंगा, सच सच बताओ कि वाकई तुमने हल्फ नहीं उठाया था। इस पर इंजमामुल हक ने कहा, जनाब मुझे वाकई याद नहीं। जस्टिस कयूम ने इस मौका पर दिलचस्प जुमला कहा, जिस तरह तुम खेलते हुए सुस्त पड़ जाते हो, लगता है तुम्हारा जहन भी कमजोर हो गया है, इसलिए तुम बादाम खाओ। जस्टिस कयूम ने सईद अनवर को बुलाया और कहा कि इंजमामुल हक उस वक्त हल्फ उठाने वालों में शामिल नहीं था। सईद अनवर ने कहा कि इंजमामुल हक ने अपने गले में लटके तवीज को हाथ में पकड़ कर हल्फ उठाया था। इंजमामुल हक ने कहा कि उन्हें ये भी याद नहीं है, जिस पर जस्टिस कयूम ने उसे सख्त वार्निंग दी कि तुम बराबर झूठ बोल रहे हो, ये वाकई मामूली नहीं है कि इसे आसानी से भुलाया जा सके। तहकीकात के बाद मई 2000 में कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। सलीम मलिक 1994-95 के सीजन में दौरा श्रीलंका और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस में फिक्सिंग का इल्जाम साबित होने पर ताहयात पाबंदी की जद में आया। लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद पर इल्जाम था कि दौरा श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर कप्तान सलीम मलिक के हमरा $66,500 मैच फिक्सिंग के लिए वसूल किए, तहम वाजे सबूत न होने पर उन्हें 3,00,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। मामले की मजीद तहकीकात का भी फैसला किया गया। मुख्तलिफ इल्जामात की जद में आने वाले वसीम अकरम को आइंदा क्यादत से रोकने के साथ साथ 3,00,000 रुपए जुर्माना हुआ। साथ ही फास्ट बॉलर वकार यूनस को भी ऐसा ही शक का फायदा मिला, तहम उन्हें 1,00,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। सईद अनवर और इंजमामुल हक के खिलाफ भी कोई वाजे सबूत न मिले, तहम ओपनर पर हकायक छुपाने पर 1,00,000 रुपए जुर्माना हुआ। इंजमाम और अकरम रजा को वार्निंग के साथ साथ 1,00,000 रुपए जुर्माने की अदायगी का भी हुक्म मिला। 1999 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम हॉट फेवरेट थी, जो लीग मैचों में तमाम बड़ी टीमों को हराती हुई फाइनल में पहुंची थी और पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। पर याद रहे कि ये वही टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भी हैरानकुन तरीके से हार गया था। वर्ल्ड कप के उस फाइनल मैच में सारी दुनिया में जुआ खेला गया और पाकिस्तान को तमाम बुकियों ने फेवरेट करार दिया था। फाइनल की कमेंट्री के लिए इंडियन प्लेयर राहुल द्रविड़ को खसूसी तौर पर बुलाया गया था, जिसने मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया था, मगर पाकिस्तान वो मैच इंतहाई बुरी तरह से हारा, जिसके बाद पाकिस्तान में हर तरफ से मैच फिक्सिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। इस वर्ल्ड कप फाइनल के 2 साल बाद यानी 2001 में कुछ यूं हुआ कि सईद अनवर की 6 साल बेटी को एक मूजी मर्द ने घेर लिया और वो मासूम सी बच्ची चंद हफ्तों के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। सईद अनवर को अपनी उस बच्ची की नागहानी मौत ने अंदर से तोड़ फोड़ दिया था। सईद अनवर की बेटी के बिछड़ने का गम उनकी जिंदगी पर गहरे नकूश छोड़ गया था। वो इंतहाई खतरनाक हद तक डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। ये वो दिन थे जब उन्होंने एक आध मरतबा
खुदकुशी की कोशिश भी की। फिर सईद अनवर के एक दोस्त उन्हें एक दिन तबलीगी मरकज ले गए। वो जुम्मे की रात थी, सईद अनवर ने रात वहीं गुजारी और बहुत दिनों बाद उन्हें सुकून कल्ब हासिल हुआ। उस रात सईद अनवर की काया पलट गई और उसने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी और मुकम्मल तौर पर तबलीग के लिए वक्फ हो गए। गलतियाँ इंसान से होती हैं, मगर वो इंसान खुशकिस्मत होता है जो अपनी गलतियों की, अपनी गुनाहों की माफी मांगने के बाद नए रास्ते की तरफ चल दे और इस्लाम के लिए काम करे। साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद, जो कि सईद अनवर के बहुत करीबी दोस्त हैं, सईद अनवर की जिंदगी में सुकून और इत्मीनान का बहुत करीब से मुशाहिदा कर रहे थे। शायद दोनों के पास दौलत के अंबार तो थे मगर इत्मीनान नहीं। फिर सब ने देखा कि इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद धीरे धीरे सईद अनवर के शरीके सफर बन गए। एक मसीही पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसका नाम उस वक्त यूसुफ योहाना था, तीनों खिलाड़ियों की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियों का चुपके से मुशाहिदा कर रहा था और उनको एहसास होता चला गया कि इस्लाम ही असल दीन है। मीडिया पर अफवाहों का सिलसिला जारी था कि यूसुफ योहाना इस्लाम कबूल करने जा रहा है, मगर उसने उस वक्त इस बात से जानबूझकर इनकार कर दिया। शायद सईद अनवर तब्दीली के ख्वाहां यूसुफ को तकमील का कोर्स करवा रहे थे और जब उन्होंने देखा कि अब उसका अकीदा पुख्ता और नकाबले शिकस्त हो चुका है तो ऐलान कर दिया गया कि यूसुफ योहाना आज से मोहम्मद यूसुफ होंगे। शदीद तरीन घरेलू और मुआशरती तरकीब मोहम्मद यूसुफ के ईमान को मुतजलजल करने में नाकाम रही। देखते ही देखते सईद अनवर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई और खिलाड़ियों को भी दीन की तरफ रागिब कर लिया और यूं पाकिस्तानी टीम में छोटी छोटी दाढ़ियां रखे नमाज पढ़ने वाले खिलाड़ियों की तादाद बढ़ गई, जिनमें शकलैन मुश्ताक भी शामिल थे। इस बारे में शहरयार खान का कहना था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में मजहबी रुझान सईद अनवर ने शुरू किया था और उसे इंजमामुल हक के दौर में तकवीत मिली। उनके मुताबिक मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि टीम के मुख्तलिफ दौरों में टीम के खिलाड़ी तबलीगी जमात के अरकान से रابطے में रहते थे। शहरयार खान कहते हैं कि ऐसा महसूस होता था जैसे सईद अनवर को तबलीगी जमात ने ये इजाजत दे रखी हो कि पाकिस्तानी टीम जिस शहर में भी जाए वो तबलीगी इस्तेमाल का एहतमाम करे, जैसा कि डरबन, मानचेस्टर और बर्मिंगम में हुआ। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि टीम के कोच बाब वुलमर ने एक मौके पर मुझसे शिकायत की थी कि खिलाड़ियों के मुसलसल नमाजों में मसरूफ रहने की वजह से उन्हें खिलाड़ियों के साथ मैचेस की हिकमत अमली पर बात करने का मौका नहीं मिल रहा। तहम बाद में बॉब विल्मर ने ये बात भी कही कि नमाज और इबादत में मसरूफ होने की वजह से खिलाड़ी नाइट क्लब और रात गए दूसरी सरगर्मियों से बचे रहते हैं। बिना शुबा सईद अनवर दुनिया का एक बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन था जिसने दुनिया के धंधे को एक साइड पर रखकर अल्लाह की रजा की राह पर चलने का फैसला किया। सईद अनवर के बारे में कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी ऐसी और भी आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।